मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करेंगे दही के बारे में। जी हाँ, दही का नियमित उपयोग तो लगभग हर घर में होता ही है, क्योंकि दही का सेवन ना ही सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि दही के विशेष गुण हमारी सेहत के लिए भी काफी जरूरी हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कई तरह की डिशेस बनाने में भी किया जाता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, लैक्टोज, आयरन, फास्फोरस, विटामिन B6 और विटामिन B12 इत्यादि पाए जाते हैं। और यकीन मानिए, दही को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना आपकी सुंदरता और आपके स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। और क्या आप जानते हैं कि दही को दूध के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद माना जाता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दही से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास बातें जो कि आपकी सेहत और आपकी सुंदरता दोनों से जुड़ी हैं। पर उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि दही का उपयोग आपको कब कब नहीं करना चाहिए। जी हाँ, फायदा देने वाली दही का इस्तेमाल सुबह उठते ही खाली पेट या फिर रात को सोते वक्त नहीं करना चाहिए। धूप से तुरंत आकर दही नहीं खानी चाहिए। बासी दही का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। जिन्हें सर्दी, खांसी या अस्थमा की शिकायत हो, उन्हें भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती हो, उन्हें दही जरूर खानी चाहिए। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां रहती हैं, उन्हें दही का नियमित सेवन करना चाहिए, क्योंकि दही में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर बिना मलाई वाली दही का सेवन आप करते हैं तो आपका मोटापा भी दूर होता है। दही दूध से ज़्यादा असरदार होती है, इसीलिए इससे हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस में लड़ने से भी मदद करती है। दही का इस्तेमाल गर्मियों में लू के दिनों में लू लगने से बचाता है, और लू लग जाने पर भी इसका सेवन बेहद फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं सुंदरता को किस तरह निखारता है दही। जी हाँ, लगभग 1.5 चम्मच दही में आप आधा चम्मच बेसन मिलाकर लगाएं तो इससे मुहासे तो ठीक होते ही हैं, साथ ही साथ आपका रंग भी निखरता है। सनबर्न होने पर भी बर्न वाली जगह पर दही लगाने से राहत मिलती है। आप दही से अगर बाल धोएं तो बालों की रूसी खत्म हो जाती है, बाल सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि दही एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। आप चाहें तो कंडीशनर की जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि दही से बाल धोने के बाद आप अपने बालों को जल्द से जल्द सुखा लें। अगर आप रोज़ाना कम से कम 10 मिनट चेहरे पर दही से मसाज करें तो आप ब्लीच जैसा असर देखेंगे। मुंह में छाले हो जाने पर अगर आप दिन में 2-4 बार दही लगाएं या दही खाएं तो छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। चेहरे पर दही लगाने से त्वचा मुलायम होने के साथ साथ उसमें निखार आता है। अगर दही को आटे के चोकर में मिलाकर लगाएं तो त्वचा में चमक पैदा होती है। रूखी त्वचा वाले लोग आधा कप दही लें और 1 चम्मच जैतून का तेल लें और 1 चम्मच नींबू का रस, फिर इन तीनों को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सूख जाने के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें, इससे आपकी त्वचा का रूखापन कम हो जाएगा। पसीने की बदबू अगर आपके शरीर से ना जाती हो, लगातार बनी हुई हो, तो आप दही और बेसन को मिलाकर पूरे शरीर में लगा लें। इसके कुछ देर बाद नहा लें, पसीने की बदबू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कुछ शोधों की माने तो दही के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिन लोगों को दूध जल्दी हजम नहीं होता, उन्हें भी दही आसानी से हजम हो जाता है। साथ ही साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी दही बेहद फायदेमंद मानी गई है। उम्मीद करते हैं कि दही से जुड़े इतने सारे फायदे आपको बेहद पसंद आए होंगे और आप अब से दही खाएंगे और भी ज़्यादा शौक से। फिलहाल ये थी जानकारी दही से जुड़ी हुई। इसी जानकारी के साथ लेते हैं आपसे विदा। बहुत जल्द मिलेंगे बोल्ड स्काई पर किसी और विशेष जानकारी के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।